Okay, let's do now the formation of image by the convex mirror. ठीक है, पहले हमने concave mirror के किया ना कि कहाँ पे object रखेंगे और image कहाँ बनेगा, तो अब करना है convex mirror में. और ये दोनों mirror किस category के होते हैं? Spherical mirror. ठीक है, और ये देखो दो cases करेंगे. पहले object at infinity. अगर object infinity पे होगा तो उसका image कहाँ बनेगा? At focus behind the mirror. ठीक है, अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये लाइंस कहाँ जा रही हैं? पैरेलल. ये रेज जो हैं, रेज ऑफ लाइट पैरेलल जा रही हैं. और ये कौन सी रेज होती हैं? इंसिडेंट रेज. ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके दे आर कमिंग बैक. दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों. ठीक है, और जो यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, ये यहीं से वापस आ रही है. बट दे ऑल अपीयर टू मीट एट एफ, so the image will be formed at F, principal focus, and its size will be highly diminished. मतलब कि बहुत छोटा होगा, point size, बहुत छोटा image बनेगा. Virtual and erect. Virtual होता है झूठा और erect होता है सीधा, straight. ठीक है, and अब now the second position of the object will be finite. Finite मतलब जो कि measurable हो. ठीक है, और ये between infinity and pole, ये object कहाँ रखा है? बिटवीन इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर और पोल के इन बिटवीन. ठीक है, जो कि मेजरेबल डिस्टेंस हो. एंड देन द इमेज विल बी बिटवीन पी एंड एफ. पी क्या? पोल और एफ के इन बिटवीन इमेज बनेगा, और ये डिमिनिश्ड होगा और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा. ठीक है, अब ये कैसे बन रहा है? वन रे इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज कमिंग बैक. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. आफ्टर स्ट्राइकिंग इट्स कमिंग बैक back, but it appears to come from F. कल किया था ना, जो पैरेलल होते हैं F से लगता है कि आ रहे हैं. ठीक है, in case of the convex mirror. ठीक है, दूसरी ray कहाँ जा रही है? दूसरी ray लग रहा है कि जैसे ये center of curvature के through वहां पे जा रही है और इसी में वापस आ रही है. क्लियर हो गया. और ये दोनों rays कहाँ meet कर रही हैं? यहाँ पे. और जहां meet करती है वहां क्या बनता है? Image. ठीक है, इमेज का नाम हम ए डैश बी डैश रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट का ए बी रख लेते हैं हमेशा. ठीक है बेटा, और इसको याद करने का ये तो बहुत इजी है. ये दोनों का सेम होता तो फिर अब पक्का ही याद कर लो कि ये जो दोनों केसेस में इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनते हैं. और दोनों केस में एक और कॉमन चीज याद कर लो, डिमिनिश बनते हैं, छोटे इमेज बनते हैं. ये फिर भी थोड़ा ठीक है, और ये पॉइंट साइज है. ठीक है, बाकी ये आपको याद करना पड़ता है. ओके मैम.